जिस काम को करने में डरती थी यूपीए की सरकार, मोदी शाह ने उसे चुटकी में निपटा दिया। केजरीवाल, राहुल, सोनिया, लालू जिस बात का रोना रोते थे, उस विषय को ही शाह ने जड़ से उखाड़ फेंका। शाह की चाणक्य की नीति ने लालू को भी डाला टेंशन में। मोदी विदेश में तो गृह मंत्री अमित शाह देश में बजा रहे डंका। भारत का बाहरी बॉर्डर के बाद अब अंदर से भी है सुरक्षित। अमित शाह के मिशन सेफ जोन ने तोड़ा नक्सलवाद का कमर। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की पुरानी समस्याओं को अस्थायी रूप से हल करने की दिशा में काम किया है। वामपंथी उग्रवाद एक ऐसा ही बड़ा दायित्व था। भारत के सबसे आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में संदर्भित माओवादी विरोध जो 1960 के दशक में शुरू हुआ और कई पीढ़ियों को नष्ट कर दिया, अब पूरी तरीके से अपनी अपील खो चुका है। यह शाह और मोदी की सरकार की जोड़ी की एक बहुआयामी रणनीति के कारण हुआ, जिसमें सुरक्षा उपाय, विकास हस्तक्षेप और स्थानीय समुदाय के अधिकारों और अधिकारों को सुनिश्चित करना शामिल था। माओवादी, जिन्हें अक्सर नक्सली कहा जाता है, असंतुष्ट नागरिकों, विशेष रूप से आदिवासियों से समर्थन प्राप्त करने में कामयाब रहे, जो मानते थे कि उनका शोषण किया जा रहा है और आर्थिक विकास के फल से लाभान्वित नहीं हुए थे। पिछले दशकों से माओवादी हिंसा और मौतों की घटनाओं में भारी कमी आई है और ये सब कुछ संभव हो पाया है गृह मंत्री अमित शाह के चाणक्य रणनीति से, जो विद्रोहियों के प्रभाव में कमी की ओर इशारा करता है। माओवाद के खतरों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह ने राज्य के बीच एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण का मार्गदर्शन किया, जिसके कारण पिछले 10 वर्षों में चरमपंथी घटनाओं में काफी कमी आई है। मोदी सरकार का मानना है कि जब तक देश को वामपंथी उग्रवाद की समस्या से पूरी तरह मुक्त नहीं किया जाता, तब तक भारत की संपूर्ण विकास क्षमता को साकार नहीं किया जा सकता है। मोदी और शाह सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 तैयार की है। नीति हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की वकालत की गई थी। मोदी सरकार ने तब पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण में राज्यों की सहायता की है। इसमें स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर योजना और सुरक्षा से संबंधित खर्चों के फंड्स शामिल हैं। इसी तरह वामपंथी और चरमवाद से मोदी और शाह ने देश को उबारने के लिए कई रणनीति भी बनाई है और उन रणनीतियों में से प्रमुख रणनीति विकास से जन भागीदारी, विकास संबंधित परियोजनाएं जिसमें मोबाइल कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र मोबाइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए 13,823 टावरों की स्वीकृति दी गई है। संचार को गति देने के लिए पहले चरण में 4,080 करोड़ की लागत से 2,343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। दूसरे चरण में 2,210 करोड़ की लागत से 2,545 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए एक योजना की मंजूरी दे दी, जिसमें 12,100 किलोमीटर, 1,342 सड़कें और लगभग 701 पुल है। लगभग 12,021 करोड़ के अनुमानित लागत के साथ मंजूरी दी गई। मई 2014 के बाद से 10,475 किलोमीटर की सड़कें और 243 पुल बनाए गए। वित्तीय समावेशन वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 90 जिलों में बैंकिंग सेवाओं के लिए 4,903 नए डाकघर खोले गए। उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित 30 जिलों में 1,258 नई बैंक सेवाएं और 1,348 ATM स्थापित किए गए। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 46 ITIS और 49 कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के जनजाति ब्लॉक में गुणवत्ता शिक्षा के लिए 242 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की मंजूरी भी दे दी गई है, जिसमें 130 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय KVS और नवोदय विद्यालय के लिए भी सरकार ने काफी काम किया है। वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित 11 जिलों में से कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं थे। मोदी सरकार ने इन जिलों के लिए 11 नए KVS की स्वीकृति दी, जिसमें 9 KVS खोले गए हैं और शेष 2 KVS के लिए भी काम चल रहा है। 6 नवोदय विद्यालय की स्वीकृति दी गई, इसमें से सभी को खोल दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण
जो योजना है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उसमें चरम पंथियों पर कैसे नियंत्रण किया जाए, तो चरम पंथियों के नियंत्रण के लिए, प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की क्षमता में वृद्धि किया गया है। सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह प्रभावी क्षेत्रों का समय समय पर दौरा करते रहते हैं और इससे सुरक्षा बलों में एक गजब का उत्साह, गजब का मनोबल बढ़ता है। नक्सल प्रभावित राज्यों में 2019 से लेकर अब तक 195 नए कैंप स्थापित किए गए हैं। नक्सलियों की फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए ईडी द्वारा 10.64 करोड़ और एनआईए के द्वारा 37 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया ट्रेसिंग जैसी इनोवेटिव तकनीकी तरीकों के माध्यम से उग्रवादियों को घेरा जा रहा है। सिक्योरिटी रिलेटेड एसआरई योजना के तहत 2014 से 2015 से 2022 और 23 तक सुरक्षा बलों के परिचालन आवश्यकताओं के लिए खर्च के लिए 2606 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए नरेंद्र मोदी और चड़क की रणनीति वाले अमित शाह ने पिछले 9 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल की वजह से प्रभावित क्षेत्रों में कई विकासात्मक कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित राज्यों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए फंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसका परिणाम देखिए, 2013 में जहां 76 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, वहीं 2023 तक इसमें 41% से ज्यादा की कमी आ गई है। नक्सली घटनाओं में 64% की कमी आई है। 2013 में 1136 नक्सली घटनाएं हुई थी, वहीं 2022 में सिर्फ 413 घटनाएं हुई हैं। 2022 में 2013 के मुकाबले वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मौतों में 75% की कमी हुई है, यानी कि 397 से घटकर अब मात्र 98 ही रह गए हैं। दक्षिण एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार इस घटनाओं से आम नागरिकों की मौत में 63% की कमी आई है, जो 2013 से दो घटकर 164 से घटकर 2024 में मात्र 61 रह गई हैं। यूपीए 2005 और 2013 के बीच अगर मुकाबला किया जाए, तुलना किया जाए, तो लगभग 15,055 वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं और 6,108 मौतें हुई थी। वहीं 2014 से लेकर अब तक 7,344 वामपंथी उग्रवाद से संबंधित घटनाएं और 1,951 मौतें हुई हैं। और इतना ही नहीं, शाह के रणनीति ने अब तक 5,000 से ज़्यादा वामपंथी उग्रवादियों ने समर्पण केंद्र सरकार के पास कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।